हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जानवी चौधरी पे एक बार फिर से। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एक्सपीरियंस क्या रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, और यानी कि मेरे साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ मैंने वो शेयर किया था, क्या क्या मुझे महसूस हुआ या मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, कैसे कैसे क्या चीज़ें मेरे साथ हुई, वो मैंने सब आपके साथ शेयर की। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेसिकली आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और यानी कि डू एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे कि व्हाट यू शुड डू और व्हाट यू शुड नॉट डू। तो वो सब बातें हम इसके अंदर शेयर करेंगे, और इस वीडियो के एंड में अगर आपका कोई क्वेरी होगा या कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो जो अभी नई नई प्रेगनेंसी में अभी आए हैं, यानी कि उनका पीरियड स्टार्ट ही हुआ है, फर्स्ट मंथ है या फिर फर्स्ट डे है, या फिर जो अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चल रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इनको बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ही ध्यान से इनको फॉलो भी करना, और अगर फॉलो करोगे तो आपके लिए जर्नी बहुत ईजीएस्ट हो जाएगी और आप उस चीज़ को ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाओगे। और मेरे हिसाब से आई होप इवन आई विश कि आपके लिए मेरे जो दिए हुए ट्रिक एंड टिप्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल हों और आपको इसमें कुछ मदद मिल पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट है कि अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर चुके हैं खुद से, या खुद से नहीं आता है समहाउ, कई बार नहीं भी पता होता कैसे करना है, या फिर डाउटफुल रहते हो आप कि पता नहीं रिजल्ट सही आया है या गलत आया है, क्योंकि 99% और 1 रेशो का सिनेरियो रहता है इसमें, 99:1 का, कि 99% सही भी होता है 99% रॉन्ग भी होता है। तो उसके लिए सबसे पहला जो काम आपको करना है वो करना है विजिट द डॉक्टर। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास विजिट कीजिए एज सून एज पॉसिबल, सो दैट डॉक्टर आपको प्रॉपरली UPT टेस्ट करके क्लियर कर सकें कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। क्योंकि somehow कई बार एक बार दो बार तीन बार ट्राई करने पे भी या टेस्ट करने पे भी कंफर्मेशन नहीं क्लियर हो पाती है कि आप हैं प्रेग्नेंट या नहीं हैं, क्योंकि मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो जिसने मेरी लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी प्लीज़ जाके वो भी मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला काम आपको करना है विजिट द डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट है कि आपको अगर पॉजिटिव न्यूज़ मिल गई है सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सेकेंडली कि अगर आप विजिट करते हैं डॉक्टर के पास जल्द से जल्द, उससे आपको क्या हेल्प मिल सकेगी कि डॉक्टर आपको अगर रिजल्ट पॉजिटिव देते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका फॉलिक एसिड जल्दी से स्टार्ट हो जाए। फॉलिक एसिड स्टार्ट होने से क्या होता है, बेबी का जो नरिश है या फिर बेबी जो अभी बनना स्टार्ट हुआ है या फिर जो हमारे अंदर फिटल है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि वो फॉलिक एसिड से उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट और आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमें पहले फॉलिक एसिड को जल्द से जल्द शुरू करना होता है सो दैट हम अपनी जर्नी को बिगिन कर सकें विद द पॉजिटिव फीडबैक्स। सो आपको डॉक्टर के पास पहला पॉइंट विजिट करना है, दूसरा फॉलिक एसिड जितनी जल्दी स्टार्ट हो सके आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें बिल्कुल भी डिले और देरी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। थर्ड है इफ़ यू डू स्मोक और अल्कोहलिक अगर आप हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि गर्ल्स या लेडीज़ या वेमेंस स्मोक या अल्कोहल नहीं करें, करते हैं, हर किसी के अपने अपने शौक होते हैं जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, हर किसी को हक है उन चीज़ों का। तो इफ़ यू डू इन दिस फेज एज वेल और आपको पता लग गया है कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपका फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ चल रहा है एंड यू आर कीप रेगुलरली टेकिंग दिस, तो प्लीज़ अवॉइड, आप इसे अवॉइड कर दें, वहीं पर रोक दें, स्मोकिंग और अल्कोहल ना करें इस दौरान में, तो आपके लिए और ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि वो सीधा ही इम्पैक्ट आपके बेबी पे जाता है। अगर आप फर्स्ट प्रेगनेंसी में हैं और आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसे वहीं पर रोक दें सो दैट इन प्रोसेस को या इन चीज़ों को आप बाद में भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस अगर कईयों को बहुत सालों बाद मिला होता है तो उसके लिए तो मुझे लगता है वो जर्नी को इन्जॉय करना ज़्यादा बेटर है विद द बेबी और विद द बेबी प्रोसेस, रादर देन टू टेक दीज काइंड ऑफ लाइक मटीरियल लाइक स्मोकिंग और द अल्कोहलिक। तो आप अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करें, कोशिश करें कि बिल्कुल ही क्विट कर दें
बट अगर क्विट नहीं कर सकते तो फॉर दिस प्रोसेस आपको ये रोकना पड़ेगा और वहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। वो ना करें क्योंकि वो सीधा ही आपके बेबी पे इम्पैक्ट करेगा। सो स्मोकिंग और अल्कोहल से स्टॉप टू दैट। नेक्स्ट है, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि क्या मतलब इस एक्सपीरियंस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खासकर कॉफ़ी पी सकते हैं नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स ऑलमोस्ट हमें कैफ़ीन लेने के लिए मना करते हैं कि कैफ़ीन आप मत लीजिए, लेकिन वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए मना नहीं करते हैं। जैसे कि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप 200 मिलीग्राम ले सकते हो, यानी कि 2 small cups ऑफ कॉफ़ी इन अ डे आप ले सकते हो। तो आप कॉफ़ी अगर पीना चाहें, हर किसी का अपना अपना एक क्रेविंग होता है, हर किसी का अपना एक माइंडसेट बन जाता है कि मुझे ये चीज़ लेनी है और ये नहीं लेनी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा बहुत आत में लेते हैं या फिर नॉर्मल रेगुलर लाइफ में लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो जाता है, हमें वो पसंद आनी बंद हो जाती हैं और हम किसी और चीज़ की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैंने कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पी। दूध पिया है मैंने, लाइक जैसे कि ठंडा दूध कह सकते हैं आप, या गर्म दूध भी कभी कभी लिया है, दूध रस, लेकिन मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी बिल्कुल भी। बट डॉक्टर ने मना भी नहीं किया था, तो आप 2 small cups ऑफ कॉफ़ी ले सकते हैं। कैफ़ीन को ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे कि हम कैफ़ीन की बात करें तो कैफ़ीन हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी होती है, जैसे कोका कोला या नॉर्मल जो हमारे ड्रिंक्स होती है उसमें भी होती है। तो आप कोशिश करें कि वो अवॉइड कर दें। बेटर है कि आपको अगर कॉफ़ी लेनी ही है तो आप 2 small cups ऑफ कॉफ़ी इन अ होल डे आप ले सकते हैं, वो मना नहीं करते हैं, तो आप पी सकते हैं, एक्सेस में नहीं लेना है। नेक्स्ट है, अगर हम ध्यान दें कि हम अगर हम किसी ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, जैसे कि कोई डायबिटिक है या किसी को थायराइड की इश्यू है या कोई और प्रॉब्लम है, तो डू ट्राई कि आप उसका जो मेडिकेशन है वो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें कि आपको इस फेस में कौन सा मेडिकेशन लेना चाहिए। बिकॉज ऑफ इन दिस फेस यू विल नॉट और इवन डोंट ट्राई टू सेल्फ मेडिकेट योर सेल्फ। सेल्फ मेडिकेशन हार्मफुल हो सकता है कि आप कोई भी दवा खुद से ले रहे हैं या आपको लगे कि दिस इज़ जस्ट अ प्रेगनेंसी, इट्स ओके, इट्स जस्ट स्टार्टेड नाउ, तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, या अपने अपने से ही आप कोई भी दवा लेना शुरू कर दें, वो रिस्की हो सकता है। तो आप कोई भी दवा लेने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, अपनी गायनी से ज़रूर पूछें और उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम शेयर हो, मतलब आपको हो रही है, महसूस हो रही है, तो उसे ज़रूर शेयर करें। सेल्फ मेडिकेट खुद को ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ यू डू हैविंग अ पेट्स इन योर हाउस, जैसे कि सपोज़ कर लो डॉग्स हैं या कैट्स है या रैबिट है, बहुत सारे पेट्स होते हैं जो रखने का शौक़ होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेट्स मेरे पास भी है, मेरे पास डॉग्स हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली हेयर फॉर द कैट्स। अगर आपके पास कैट्स हैं तो आप प्लीज़ ट्राई करें कि उनका जो लिटर वगैरह है वो आप क्लीन ना करें। बट अगर आपको लगता है कि और कोई नहीं है करने वाला, तो डू ट्राई कि आप प्रॉपर अपनी केयर के साथ उसे करें। रीज़न बीइंग कि उसका जो स्मेल है वो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर सकता है या वो आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। इस दौरान में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको अवॉइड करना होगा, जैसे कि वॉशरूम क्लीनिंग हो गया या फिर आपका कोई ऐसी चीज़ जो आपको हिट करती हो स्मेल में, तो वो चीज़ आप ना करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ट्राई करें कि आप करवा लें किसी से, बट अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके ही वो चीज़ करें। करने से पहले अगर आप कोई काम ये ऐसा है जो आपको लगता है कि आप ही को ही करना पड़ेगा, नोबडी इज़ देयर टू हेल्प यू आउट, तो आप उसके अंदर प्रॉपर एक सावधानी बरत के ही वो काम करें। करने के बाद उसे आप प्रॉपरली हैंड वॉश कर लें अपना और अपने आप को, अगर आप नहा लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट है, इस दौरान आपको फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाने होते हैं, आप फ्रूट्स का ध्यान रख सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट चल रहा होगा वो ज़्यादा खाएं और ट्राई करें कि आप सीजनल फ्रूट जब भी खाएं तो उन्हें प्रॉपर वॉश कर लें। खाने के से पहले आप प्रॉपरली वॉश कर लें उसे अच्छे से। अगर कोशिश कर सकते हैं तो आप उसे 1-2 hours भिगो के रखेंगे अगर पानी में, उसके बाद खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही फ्रेश हो जाते हैं और हेल्पफुल होते हैं आपको और ज़्यादा मेंटेन करने में। तो फ्रूट्स जितना हो सके आप सीजनल फ्रूट्स पे ध्यान दें, वो आप खाएं, जो भी सीजनल चल रहा है उसकी तरफ आप ध्यान दें कि फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप लें।
नेक्स्ट है आपको लिक्विड डाइट लेनी है, जितनी ज़्यादा हो सके आप लिक्विड डाइट पे रहें, क्योंकि उस दौरान आपको कुछ भी ऐसी चीज़ है जो पचेगी नहीं और कईयों को बहुत ज़्यादा पच जाती है, कईयों को ठीक रहता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया कि कईयों को मॉर्निंग सिकनेस होती है, कईयों को इवनिंग सिकनेस होती है, कईयों को बिल्कुल भी सिकनेस नहीं होती और कईयों को पूरा दिन सिकनेस रहती है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा है नोजिया बहुत ज़्यादा रहता है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा रहती हैं, डाइजेशन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता और ना ही डाइजेस्ट होता है, और कईयों का बहुत स्मूथ निकलता है, कईयों को नहीं पता लगता है। तो अगर जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो लिक्विड डाइट पे ज़्यादा रहें, मतलब जितना ज़्यादा हो सके लिक्विड इनटेक करें, जिससे क्या होगा आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में नहीं जाएगी, यानी कि बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होगी, आप सही रहेंगे। बॉडी अगर डिहाइड्रेट होगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, आप कोई भी नेक्स्ट मील को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है जो भी लिक्विड से रिलेटेड आपको चीज़ें लगें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक कर लेनी चाहिए वो कर लें, सो दैट आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो मेंटेन रहे और आपको ज़्यादा वीकनेस की तरफ ना मूव ऑन करना पड़े। तो आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से बचाएं, डिहाइड्रेट ना हो। नेक्स्ट है, इस दौरान आपको जो नहीं जो आपको अवॉइड करना चाहिए वो है ऑयली और स्पाइसी फूड, आप वो अवॉइड करें, ऑयली और स्पाइसी फूड ना खाएं। ज़्यादा मिर्ची जो खाते हैं उन्हें इस दौरान में मिर्ची अवॉइड करनी चाहिए, ज़्यादा ऑयली फूड ना खाएं, ना ही ज़्यादा मिर्ची खाएं, ये अवॉइड करेंगे तो आपको और ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप अनइजीनेस हो जाते हो जब आप कुछ आपको एसिडिक होना शुरू हो जाते हो या आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ जाती है आपके यहाँ पे, लाइक गैस बननी स्टार्ट हो जाती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो ऑयली और स्पाइसी फूड को आप नो कर दें, ट्राई करें आफ्टर एवरी 2 आवर आप कुछ ना कुछ खाते रहें, लेकिन ऐसा जो आपके लिए हेल्दी हो, जो आपको खाने में प्रॉब्लम ना दे या जो आपको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम ना दे। तो आप हर 2 घंटे बाद कुछ खा सकते हैं, और अगर आप खा के एकदम से वॉमिट भी जा रहे हैं तो उसके बाद ट्राई करें कि आप फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा लें जो आपको लगे कि मेरा मनपसंद है और मैं खा सकती हूँ या डाइजेस्ट कर सकती हूँ, तो आप उसको ले लें। नेक्स्ट है, इस दौरान आपको कॉन्स्टिपेशन भी बहुत रह सकते हैं, तो आप उससे बिल्कुल भी वरिड मत होइएगा, क्योंकि ये फेस ऐसा होता है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो आप ट्राई करें कि लिक्विड डाइट में रहें इस दौरान, और वाटरमेलन या फिर हमारे जो और फ्रूट्स आते हैं यानी कि सीजनल फ्रूट्स, वो आप ले सकते हो, उस दौरान आपको लिक्विड इनटेक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट है, इस टाइम पे लूज़ होता है बहुत ज़्यादा हमारा वेट भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, तो वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना टेंशन नहीं करना है, क्योंकि एक बार वेट ज़रूर लूज़ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप इस टाइम पे प्रेग्नेंट हैं और आपको कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वेट तो लूज़ होना ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। धीरे धीरे 4th और 5th मंथ में जाके आपका वेट दोबारा से गेन होना शुरू हो जाएगा, तो अगर आप वेट बहुत जल्दी से गिर रहा है तो डोंट वरी, इट विल बी रिकवर एज सून एज। और सेकेंडली, आप इस फेस में बहुत ज़्यादा, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ, बहुत ज़्यादा स्लीपी, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक, बहुत ज़्यादा आप सिकनेस वीकनेस फील करेंगे इस ड्यूरेशन में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो सकता है। आप ट्राई करें कि आप रेस्ट करें, जितना प्रॉपर रेस्ट कर सकते हैं वो रेस्ट करें। आप कईयों को बैक एक लोअर बैक एक में बहुत ज़्यादा होती है, लाइक लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा रहती है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उस दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। लेटना पसंद है लेटें, घूमना वॉक करना पसंद है वो करें, अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो कोई एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जो कर सकते हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो नहीं कर सकते वो उनकी चॉइस है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, ये फेज़ ऐसा ही होता है कि आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं। नेक्स्ट है, कईयों को स्मेल की बहुत प्रॉब्लम रहती है, मेरे फेज़ में मुझे डीओ परफ्यूम की स्मेल बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती थी। मैंने सहज यानी अपने हस्बैंड को भी बोल दिया था कि आप डीओ परफ्यूम कुछ मत लगा के आया करो, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसे बेयर करना। तो आपके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, आपको किसी और प्रॉब्लम से निकलना पड़ सकता है या आपको कोई और स्मेल से प्रॉब्लम हो सकती है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो 4th 5th मंथ में आके दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। तो आई एम नॉर्मल, अभी तो मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि समटाइम्स आपको कुछ अपनी बॉडी की स्मेल, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे कि हमारे प्राइवेट पार्ट्स की अगर बात करें तो हमें वहाँ से भी स्मेल आती है,
जो कि अनबेरेबल होती है, कोई बात नहीं, वो भी टाइम रहते ठीक हो जाती है। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, उसके लिए कोई मेडिकेशन या कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी है, वो टाइम रहते ही ठीक होती है। ये एक प्रॉब्लम है, यानी कि ये एक सिम्टम्स हैं, या आप कह सकते हो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो इट्स ओके इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ स्मेल विच इज़ वेरी अनबेरेबल फॉर यू, तो गो थ्रू विद दैट, इट्स ओके, इट विल बी रिकवर सून। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ सम लेडीज़ और सम वुमेन, और जो गर्ल्स की बात करूँ तो कईयों को बहुत ज़्यादा लाइक ब्लड स्टेन हो सकता है या फिर वाइट डिस्चार्ज हो सकता है इस दौरान। तो ये चीज़ आपको डॉक्टर के साथ पर्सनली बहुत जल्दी शेयर करनी होगी, आप शेयर कर लीजिए ताकि वो आपको प्रॉपर मेडिकेट कर सके और इस चीज़ के लिए सलाह दे सके। इसे अवॉइड नहीं करना है, अगर आपको स्टेन ज़्यादा हो रहा है या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से, गायनी से प्रॉपर सलाह लें। मेरे साथ ऐसा खैर कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मैं आपको ये सलाह इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ आप उसे ध्यान में रखते हुए डॉक्टर के साथ जल्दी से जल्दी सलाह कर लें। सो होप करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुई होगी, और कोशिश करें आप अपना ध्यान रखें जितना ज़्यादा हो सकता है, और जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए आप उसे फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा अपनी उस जर्नी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर को निकालने में। सो मिलती हूँ आपको इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ देना, और मेरे चैनल जानवी चौधरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी, और होप करती हूँ आप मुझे सपोर्ट करते रहोगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।